हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन और ड्राई स्किन के लिए बात करने वाले हैं। क्या आप ड्राई स्किन की केयर कैसे करते हैं? क्या नॉर्मल वेट स्किन की तरह ही केयर करनी होती है या कोई स्पेशल ट्रिक यूज में लेते हैं? ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ड्राई स्किन के बहुत सारे जो कॉज होते हैं ना, या ड्राई स्किन के पीछे जो रीजन जनरेट होता है, इचिंग हो सकती है, फ्लेकिंग होगी आपकी स्क्रीन में, या कहीं कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर स्क्रेचिंग हो रहे थे। तो आपको इस वजह या इस कोज को आप कैसे केयर कर सकते हैं? क्योंकि ड्राई स्किन नेचुरल होती है ना, तो उसको एक्चुअली ट्रीटमेंट करोगे तो कॉस्टली जाएगी, लेकिन केयर करें सावधानी, ऐसे नहीं कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कैसे आप प्रिकॉशन या कैसे केयर कर सकते हैं? सो एक्चुअली आपको कुछ कुछ नॉर्मल टिप्स है उनको ध्यान में रखता है। फर्स्ट जो टिप है बाथिंग आपको है ना, अगर आप शावर ले रहे हैं या बाथिंग कर रहे हैं तो नॉर्मल है ना, उसका ड्यूरेशन शॉर्ट रखना चाहिए, बहुत ही कम ड्यूरेशन में आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद में गुनगुना पानी होना चाहिए, बिल्कुल गर्म पानी आप यूज में नहीं लीजिए। अगर गीजर चालू है तो गुनगुना पानी से आप नहाइए। सेकंड वन जो बात करेंगे वो है क्लींजर जो यूज करते हैं ना, वो माइल्ड क्लींजर यूज करिए वॉश करने के लिए। और साबुन को तो आपको अवॉइड करना है, साबुन आप मत ही लगाइए, तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद में है ना, उसके नहाने के बाद में ना, तौलिए को ज्यादा मत रगड़िए, आप हल्का हल्का या फिर टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिए, हल्का हल्का पुश करके आप पानी को साफ कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो है आप 3 से 5 मिनट में के बाद में आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए। मॉइस्चराइजर कोई ज्यादा केमिकल वाला आपको यूज में नहीं लेना है। आपको कौन सा मॉइस्चराइजर यूज में नहीं करना है, जिसमें एल्कोहल बेस्ड फॉर्मुलेशन रहती है ना, वो मॉइस्चराइजर आपको यूज में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अल्कोहल लगा दिया, आपकी वैसी चमड़ी रगड़ रही है, सूखी स्किन है, उसमें अल्कोहल लगा दिया तो क्या होगा, इचिंग पैदा करेगी ना, फ्लेकिंग आएगी, स्क्रेचिंग आएगी और आपकी स्किन और भद्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आपको कोकोनट ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन या कोकोनट ऑयल ही अप्लाई करना है। उसके बाद में क्लोथिंग की बात करें तो बनियान पहनना चाहिए आपको, क्योंकि कॉटन होता है ना उसमें बनियान में, और कॉटन होगा तो वो है ना स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। और नेक्स्ट वन बात करेंगे, आप हैंड जो सैनिटाइज करते हैं ना, हाथ धोते हैं, तो एक्चुअली आपको है ना साबुन वाला बार बार अवॉइड करना चाहिए। हाँ, एक दो बार दिन में ले सकते हैं, लेकिन बार बार अगर आप साबुन से हाथ धोते हैं ना, तो आपकी स्किन में ना बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाएगी, स्किन की चमड़ी उखड़ने लग जाएगी। तो आपको है ना नॉर्मल यूज में लेना है एलोवेरा बेस्ट। अगर कोई सैनिटाइजर आपको मार्केट में पसंद आता है तो आप वो ले लीजिए, या फिर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस बारे में मैं आपको ओपिनियन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, हमेशा आपके लिए डेडिकेटेड रहता हूँ। और नेक्स्ट वन बात करेंगे फेस की, तो फेस में क्या करना है, आपको नॉर्मल क्लींजर यूज करना है, साबुन को यूज में नहीं लेना है। सो ये कुछ आपकी बेसिक केयर टिप्स थी जो कि आपकी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। जिन लोगों की ड्राई स्किन है ना, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टिप्स रहती है। अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यूर स्किन। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो दोस्तों, अगर बात मानोगे ना तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे ना तो साले रगड़ाते रहोगे स्किन के साथ में, क्योंकि आप ऑडियंस हो, मुझे इज्जत करनी पड़ती है आपकी। लेकिन अगर इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं तो फैक्ट बोलता हूँ, मुझे पता है ऑडियंस कम है, लेकिन जो चीज साफ कहेंगे ना तो कड़वा लगता है, सच हमेशा कड़वा लगता है। तो सुनो इस सच को और फॉलो करो, बिकॉज यू नो आपकी स्किन का मैटर है, आप कैसे हैंडल करते हो उसको। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो। जय हिंद जय भारत।